वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज अभी राकेश भैया ने बताया कि यहाँ पर एक मीट मार्केट है, मतलब वो मीट मार्केट ऐसा है कि वहाँ पर एकदम फ्रेश मीट मिलता है जो कि अपन खाते नहीं है। हाँ भैया, कब मिलता है? सैटरडे को सुबह 8 बजे फ्रेश मीट यहाँ पे मिलता है। पहली बार हम लोग भी पहली बार ही यहाँ पर आए, लेकिन सुनो बस आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, खाने के लिए यहाँ पर सैटरडे यहाँ पर एकदम फ्रेश मीट मिलता है। तो जो भी भाई इंडिया मतलब यहाँ पर जो इंडियन रह रहे हैं वो जाए जिनको अत्यधिक प्रिय है मीट ही, और जो लोग खाते हैं अधिकतर 70-80 फिश भी है। हाँ, मीट भी है, फिश भी है, सब कुछ आपको हर एक तरह का आपको मीट यहाँ मिल जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं जो मीट की मार्केट है ये सामने है, इसीलिए इसके अंदर चलना पड़ेगा। हम लोगों को थोड़ा फिर दिया जा रहे हैं तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते चलते हैं यहाँ पर जो मीट मार्केट है, किस 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 वैरायटी का यहाँ मीट है, क्या क्या आपको मीट मिल जाएगा, कौन कौन सा आपको प्रोडक्ट मीट का मिल जाएगा, कौन कौन सी किसी मिल जाएगी, ये सब बताया। देखिए मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में, किसका मीट है या कौन सी फेस है, बस हम आपको दिखाने का काम करेंगे। आप देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट करो और लाइक करो। चलो चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का आपको यहाँ पे मीट देखने को मिलेगा। ये किसका किसका मीट है ये तो आपको ही पता देख के लगेगा ये किसका मीट है, बट भाई साहब बड़ा खतरनाक है ये भाई, ये है किसका मीट है? हैं गबियतना मतलब अच्छा ये भाई हाँ 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 हज़ार ये जो आप देख रहे हैं ये भाई भैंस का मीट है। देखिए ये भाई भैंस गाय घोड़ा ये सुअर का है, ये भाई साहब देख सकते हैं ये मीट सुअर का है। और ये देखिए अलग अलग ये देखिए वहाँ लीवर रखा हुआ है भाई साहब, ये उसमें से ब्लड भी टपक रहा है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का मीट आप देखो, इधर इधर सब्जी भी मिल रही है इस साइड से। ये देखो भाई ये किसका मीट है पता है? गबियतना किसका है? ये भाई साहब देख रहे हो ये यार खुर रखे हुए हैं, पैर खुर रखे हुए हैं, ये आप देखो भाई ये यहाँ पर ऐसा लगता है सब बिक गया इनका, यहाँ पर एक अलग है ये पूरा भाई, बहुत ही खतरनाक। हाँ देखो मैं उसका सूट कर रहा था तो ये बोल रहे कि मेरा भी तो सूट करो भाई, तो ये दिखाओ भाई, ये देखो यहाँ पर ये आप हाँ ये आपका प्याज है, हरा प्याज है, और ये देखिए ये नींबू है, ये आपका शिमला मिर्च है, टमाटर है, हाँ हाँ ये देखिए ये भी शलजम है वैसे छोटी वाली, और यहाँ पर देखिए ये गाजर है, और ये आपका शुकरकंद है, ये हाँ ये देखो बहुत खुश है चाची कसम से, ये हाँ ये बोले सैलड है इन लोगों का, तो ये जो सैलड खाते हैं ठीक है ना। हाँ 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 ये यहाँ पर लूक है, लूक मतलब प्याज को बोलते हैं, तो हाँ सो हाँ हाँ ये मशरूम है ग्रेवी अचार, मशरूम का अचार, हाँ 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 स्पेशली बात, थैंक यू सो मच। ये देखिए एक अलग यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सॉसेज जो हॉट डॉग में या नॉर्मल भी लोग खाते हैं, देखिए बहुत बहुत सारी वैरायटी के ये सॉसेज हैं, और किस किस के हैं देखो मैं शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण आदमी तो मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन आप जो लोग खाते हो तो वो आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए चीज़ भी है ठीक है, हाँ तो सस्ता भी है यहाँ पर, बहुत सस्ता है भाई हर एक चीज़ है। नॉन वेज वालों के लिए तो भाई यहाँ पर सब जन्नत है, लेकिन जो वेज वाले हैं वेज वालों के लिए भाई सब दिक्कत है, वेज वालों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। चाची देखो हाँ तो
देखो ये खुद आप बनाई है देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का यार भाई यहाँ पर बस मिलेगा मीट मीट ही मीट है चारों तरफ यहाँ पर आ जाते ये पूरा फिश मार्केट है यहाँ पर देखो पूरा फिश ही फिश यहाँ पर अलग अलग है ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की यहाँ फिश है बस जो भी आ रहा है भाई हम लोग खाने वाले नहीं हम ना खाते हैं हम बस दिखाते हैं ठीक है देखो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखो 290 है 250 है 700 है 800 है 1000 है मतलब अब जो जो वैरायटी फ़िश की है उस हिसाब से है यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की फ़िश है अलग अलग है कुछ पैक्ड भी है भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है अब तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई यार मैं ही जानता हूँ मैं कैसे यहाँ वीडियो बना रहा हूँ बहुत ख़तरनाक स्मेल आ रही है क्योंकि अपन तो भाई तो बस वीडियो बनाते हैं वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए तो देखो देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की भाई जो सारांश में रहते हैं और जिनको नहीं पता है तो यहाँ पे आ सकते हैं खेमास साइड यहाँ पर पूरा लोकल मार्केट पड़ता है और यहाँ पे आके आप बहुत सस्ता यहाँ पे मिलता है यहाँ पे मतलब सैटरडे टू सैटरडे मतलब यहाँ पे बता मतलब मैंने सुना है बताया गया है कि यहाँ पर एकदम फ्रेश मीट काटा जाता है ठीक है तो जिसको एकदम फ्रेश मीट लेना हो तो वो यहाँ पर आ सकते हैं भाई सब इस पूरा मीट मार्केट में और यहाँ पर पूरा फ्रेश फ्रेश माल यहाँ पे मटेरियल यहाँ पर से प्रीवियत तो देखो ठीक है ये कद्दू देख सकते हैं पंपकिन है इंडिया का पंपकिन और यहाँ के पंपकिन में यहाँ तीन कलर का तीन चार कलर का है देखो एक येलो भी है एक नारंगी है ये अलग अलग देखो पंपकिन अलग अलग कलर के हैं ठीक है ना सब्जी तो भाई ये एक अलग अलग कलर का मुझे यार टमाटर मिला हाँ भाई यार एक अलग ही टाइप का टमाटर ये देखो ऐसा टमाटर तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई यहाँ पर एक कलर का ये टमाटर है और एक ये टमाटर है देख सकते हैं आप कितना बड़ा भाई 250 ग्राम का एक टमाटर है यहाँ पर ये ठीक है ना टमाटर ये जो देख रहे हैं ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं सब ओरिजिनल नहीं है आर्टिफिशियल फ्लावर हैं गली टाइप की है इसमें लगे हुए हैं यहाँ पे देखो भाई ये है रशिया ठीक है ना ऐसा नहीं है कि वही सब जो ब्रांडेड ब्रांडेड ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको दिखाई पड़ती वही रशिया है एक दूसरा भी है ऐसा लेकिन वो आपको खोजना पड़ेगा कहाँ है तो आज हमने आप लोगों के लिए खोजा है ठीक है मैंने पूरा एक मीट मार्केट का तो मैंने देखा दिया है और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।